हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू विद्यान पाठशाला जहाँ पे आपको मिलता है क्लास सिक्स टू ट्वेल्व की फ्री ऑनलाइन क्लासेस जो कि एन की है ओके एंड हियर आई एम पायल योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है रेस्ट एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास एट मैथ्स जो कि सेकेंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्सरसाइज टू जिसमें की वन से ट्वेल्व तक नहीं वन से थर्टीन तक की क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ओके okay? सो so, आज हम लोग जो करेंगे वो है आपका फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन जो कि थोड़ा बड़ा है मैथ्स ओके सो ये फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन जब हो जाएगा तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी ओके सो ओके सो कम टू दे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्लास की है लेकिन एक्सरसाइज के हिसाब से ये फोर्टीन क्वेश्चन है ओके सो देखो क्वेश्चन क्या है लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक लक्ष्मी जो कि बैंक की कैशियर है सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज़ हंड्रेड फिफ्टी एंड टेन रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स नोट्स की जी जो रेशियो है वो आपका है टू इज टू थ्री इज टू फाइव एंड द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ फोर लैख सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव सो डिनोमिनेशन का उस उसके पास नोट्स कितना कितना है ओके okay. सो so, देखो तो आप ये जो रेशियो दिया हुआ है नोट्स का ये दिया हुआ है टू इज टू थ्री इज टू फाइव ओके सो ये आप लेट कर लो कि लेट नंबर ऑफ द नोट्स टू एक्स थ्री एक्स एंड फाइव एक्स देखो उसके पास बोला गया है कि लेट डे दे, अब देखो उसके पास हंड्रेड फिफ्टी एंड टेन इसका नोट सो okay? so, अब ये हंड्रेड फिफ्टी एंड टेन जो की है वो टू एक्स थ्री एक्स एंड फाइव एक्स इसमें बोला गया है रेस्पेक्टिवली मतलब हंड्रेड की नोट्स है उसके पास टू एक्स फिफ्टी का नोट्स है थ्री एक्स एंड टेन का नोट्स है फाइव एक्स ओके सो हम लोग लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हंड्रेड नोट्स इज इक्वल्स टू हंड्रेड इंटू टू एक्स ओके सो विच इज टू हंड्रेड एक्स अमाउंट

कि उसके पास हंड्रेड फिफ्टी एंड टेन का नोट्स जो कि रेस्पेक्टिवली टू टू थ्री इज टू फाइव रेशियो में है ओके सो अमाउंट में कितना है टू एक्स से हंड्रेड को मल्टीप्लाई करो फिफ्टी से थर्टी थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करो एंड देन टेन को फाइव एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका ओके सो देन आप क्या करोगे आ, अब इसमें क्या बोला है कि उसके पास टोटल कैश है फोर लैख ओके सो इसका मतलब 200x हंड्रेड एक्स प्लस वन फिफ्टी एक्स प्लस इज इक्वल्स टू फोर लैख ओके सो इसको हम इरेज करते हैं लिख सकते हैं 200x हंड्रेड एक्स प्लस वन फिफ्टी एक्स प्लस इज इक्वल्स टू फोर लैख ये हो गया आपका मेन इक्वेशन फॉर्म अब ये क्या होगा 200 एंड वन 50 एंड 50 दैट इज फोर हंड्रेड एक्स इज इक्वल्स टू फोर लैख एंड देन x इज इक्वल टू फोर लैख डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड विच इज सो विच इज वन थाउजेंड ओके सो एक्स तो आपका निकल गया वन थाउजेंड अब ईच डिनोमिनेशन का उसके पास कितना है सो so, कितना कितना था याद है टू एक्स थ्री एक्स एंड फाइव एक्स जो नोट्स था उसके पास टू एक्स का मतलब टू इंटू वन थाउजेंड विच इज टू थाउजेंड टू थाउजेंड का था हंड्रेड नोट्स ओके टू थाउजेंड का था रुपीज हंड्रेड एंड देन थ्री इंटू हंड्रेड थ्री इन टू थाउजेंड विच इज थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड का था आपका क्या फिफ्टी नोट्स एंड देन फाइव इन टू वन थाउजेंड विच इज फाइव थाउजेंड तो फाइव थाउजेंड का था उसके पास टेन नोट्स तो ये हो गया आपका आंसर आंसर हो गया ये मेन आंसर है आपका टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड ये है आपका आंसर लेकिन कितना कितना रुपीस का था करेंसी का था ये मैंने उसके बगल में लिख दिया है तो आपको समझने में आसानी होगा ओके okay. सो so, ये हो गया आपका आंसर सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आई हैव अ टोटल ऑफ थ्री हंड्रेड इन कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ वन टू एंड फाइव द नंबर ऑफ टू coins थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फाइव काइंस एंड द टोटल ऑफ of इज वन सिक्सटी सो हाउ मेनी coins ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी सो टोटल coins कितना है देखो टोटल coins कितना है वन सिक्सटी दिया हुआ है ये तो ईजिली आप समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वन सिक्सटी द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस ओके एंड देन सो so, आप देखो टू नंबर का जो टू uh, का जो कॉइन्स है वो थ्री टाइम्स ज्यादा है फाइव के कॉन्स से तो अगर हमें फाइव का कॉइन्स का पता होगा तभी तो हम टू का कॉइन्स निकाल सकते हैं सो फाइव का कॉइन्स को हम लेट कर लेते हैं मतलब एज्यूम कर लेते हैं सो लेट दी नंबर ऑफ फाइव कॉइन्स च इज एक्स ओके सो टू का कॉइंस कितना होगा सो नंबर ऑफ टू कॉइन्स कितना बोला गया है थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स सो थ्री इंटू एक्स विच इज थ्री एक्स ओके आया इतना समझ में अब देखो मेरे पास कितना कितना था वन का कॉइन था टू का कॉइन था फाइव का कॉइन था सो so फाइव का कॉइन एंड टू का कॉइन तो निकल गया लेकिन वन का कॉइन का नंबर भी तो हमें निकालना है सो नंबर ऑफ वन कोइन्स इज इक्वल्स टू टोटल कितना था वन सिक्सटी माइनस फाइव का कॉइन है एक्स प्लस टू का कॉइन है थ्री एक्स वन सिक्सटी से अगर हम माइनस कर देते तो वन का कॉइन निकल जाएगा ओके okay, सो so बहुत ही ईजी है वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स ओके अब देखो देखो अब वन का कॉइन वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स है तो अमाउंट कितना होगा अमाउंट ऑफ वन कॉइन कितना होगा वन इन टू वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स क्योंकि नंबर तो था वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स और अमाउंट में वन इंटू होगा ओके देन टू कॉइन का अमाउंट हम लोग निकालते हैं तो आपका हो जाएगा टू इंटू थ्री एक्स विच इज सिक्स एक्स एंड देन फाइव का कॉइन सो एंड देन फाइव का कॉइन कितना होगा विच इज़ फाइव इंटू एक्स मतलब कि फाइव एक्स तो वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स ही रहेगा है ना तो ये आपका हो गया वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स सिक्स एक्स मतलब वन का कॉइन है वन सिक्सटी माइनस फोर एक्स टू का कॉइन है सिक्स एक्स एंड फाइव का कॉइन है फाइव एक्स ओके सो इसको हम इरेज कर लेते हैं अब देखो 160 सिक्सटी माइनस फोर एक्स जो कि वन का कॉइन था टोटल अमाउंट देन सिक्स एक्स एंड देन फाइव एक्स ये निकला था हम लोगों का तो इसका टोटल कितना हो जाता है 300 ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर्म मेन इक्वेशन तो 160 अब सिक्स एंड फाइव होता है इलेवन एक्स इलेवन से अगर फोर माइनस करते हो तो आपका हो जाता है सेवन सो प्लस सेवन एक्स इज इक्वल्स टू थ्री सो सेवन एक्स इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड माइनस वन सिक्सटी विच इज वन फोर्टी एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू वन फोर्टी डिवाइडेड बाई सेवन विच इज़ ट्वेंटी ओके सो अब देखो एक्स निकला है ट्वेंटी तो इसका मतलब फाइव का कॉइन आपको याद है कितना था हम लोग एज्यूम किए थे एक्स मतलब कि ट्वेंटी ओके देन आपका टू का कॉइन थ्री टाइम्स ज्यादा था फाइव से मतलब कि थ्री एक्स था तो थ्री एक्स आपका हो गया थ्री इंटू ट्वेंटी इज सिक्सटी अब ये थ्री का कॉइन नहीं अब ये वन का कॉइन कितना था ये आपका हो जाएगा वन सॉरी ये हो गया आपका सिक्सटी सो वन सिक्सटी से देखो फाइव एंड टू का फाइव का कॉइन था ट्वेंटी टू का कॉइन था सिक्सटी सो so, दोनों मिला के कितना हो जाता है एट्टी ओके सो अब ये एट्टी जब आप माइनस करोगे वन सिक्सटी से तो आपका वन का कॉइन का पता चल जाएगा सो वन सिक्सटी से एट्टी माइनस करने के बाद होता है एट्टी

सो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज थ्री थाउजेंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज सिक्स बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ईजी होगा आपको सॉल्व करने में अब देखो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि टोटल पार्टिसिपेंट कितना है सिक्सटी थ्री ओके अब देखो विनर विनर तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है कि जो विनर होगा उसको हंड्रेड रुपीज का प्राइज मिलेगा ओके okay? सो so, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं मतलब कि एज्यूम कर लेते हैं कि विनर है एक्स ओके सो लेट दी विनर्स बी एक्स इसको हम लोग अज्यूम कर लिए ओके सो जो लोग जी मतलब जीते नहीं हैं मतलब जो लोग हार गए हैं उसका जो नंबर होगा मतलब नंबर ऑफ पर्सन और पार्टिसिपेंट डिड नॉट विन कितना होगा सिक्सटी थ्री माइनस एक्स क्योंकि एक्स जो है वो लोग जीते हैं तो बाकी जो है सिक्सटी थ्री से माइनस करके वो लोग हार गए हैं वो लोग जीते नहीं हैं ओके सो so, ये हो गया इतना दूर आपको समझ में आया अब देखो क्या होता है जो अमाउंट दिया गया है जो लोग जीत गए हैं उनको दिया गया है हंड्रेड करके अमाउंट ओके ये हंड्रेड सो पार्टिसिपेंट कितना था जीतने वाले पार्टिसिपेंट थे एक्स सो so, अब हम ये लिख सकते हैं कि अमाउंट गिवन टू विनर ये आपका होगा हंड्रेड इंटू एक्स क्योंकि हंड्रेड पार्टिसिपेंट था हंड्रेड प्राइज मिला है और एक्स पार्टिसिपेंट है तो हंड्रेड एक्स हो गया ओके एंड देन जो हार गए हैं उसको मिला है ट्वेंटी फाइव प्राइज में ओके okay, सो so ये कितना होगा कि अमाउंट गिवेन टू पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन ये कितना होगा ये आपका हो जाएगा पर्सन था सिक्सटी थ्री माइनस एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव करके प्राइस दिया हुआ है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थ्री ज सेवेंटी फाइव फाइव एंड देन सेवन तो सिक्स ट्वेंटी फाइव जो वन फिफ्टी एंड देन वन फिफ्टी सेवन आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना वन फाइव सेवन फाइव ऐसा कुछ आएगा माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स ओके सो आया इतना दूर समझ में अब देखो अब क्या बोला गया है कि टोटल प्राइस मनी तो दिया हुआ है थ्री थाउजेंड मतलब कि ये जो प्राइस मनी है हंड्रेड एक्स और ये जो प्राइस मनी है इसको मिला के होता है आपका थ्री थाउजेंड सो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे हंड्रेड एक्स प्लस ये जीतने वाले का प्राइस मनी है एंड देन वन फाइव सेवन फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स ये हारने वाले का प्राइस बने सो so ये तो टोटल करके हो जाता है आपका थ्री थाउजेंड अब देखो हंड्रेड एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स तो ये हो जाता है आप देख लेना माइनस करके सेवेंटी फाइव एक्स इज इक्वल्स टू इसको हम राइट साइड में लेके जाते हैं थ्री थाउजेंड माइनस वन फाइव सेवन फाइव तो जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा फाइव टू फोर एंड वन अब से x इज इक्वल्स टू वन फोर टू फाइव डिवाइडेड बाय सेवेंटी फाइव फाइव से कैंसिल आउट करो फाइव फिफ्टीनज सेवेंटी फाइव फाइव टू जा टेन फाइव एट जा फोर्टी फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री ज़ फिफ्टीन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव सेवेन जा थर्टी फाइव एंड देन थ्री नाइन्टीन जा फिफ्टी सेवेन सो एक्स इज इक्वल्स टू नाइनटीन तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स हमें बोला गया था कि नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने के लिए और हमने लेट किसको किया था नंबर ऑफ विनर्स को ओके सो नाइनटीन आपका हो गया नंबर ऑफ विनर्स जिसको हमने लेट किया था मतलब एक्स को किया था ओके okay? सो so, ये हो गया आपका आंसर तो वी आर डन फॉर द डे एंड देखो टू पॉइंट टू एक्सरसाइज 2.2 जो कि आपका है लीनियर इक्वेशन ओके लीनियर इक्वेशन है एंड ये क्लास एट का सेकेंड चैप्टर है एंड सेकेंड चैप्टर का जो सेकेंड एक्सरसाइज है मतलब 2.2 ये मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है सॉल्व करवा दिया है तो आपको भी समझ में आया होगा अच्छे तरीके से एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्लास तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो ओके okay, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो जाके आप ज्वाइन कर लो एंड एंड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ओके सो कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग